नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए साथ का ये हमारी दुनिया बुक है, यानी भूगोल का बुक है, और हम लोग भूगोल के क्लासेस का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग 11 चैप्टर तक का, 11 अध्याय तक का अध्ययन कर चुके हैं। आज ये 12वां अध्याय है। इस अध्याय में हम लोग क्या सीखेंगे, मौसम और जलवायु के बारे में अध्याय में सीखेंगे। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, और इस पर आपको 6 क्लास से 12 क्लास तक के सभी विषयों की पढ़ाई दी जाएगी। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप इस चैनल पर चले जाएँ और वहाँ से जाके आप इस 7 क्लास का इंग्लिश भी सीख सकते हैं और ट्रांसलेशन और ग्रामर भी सीखेंगे। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले सलमा टेलीविज़न पर स्थानीय समाचार देख रही थी। स्थानीय समाचार का मतलब लोकल का जो खबर है, उद्घोषिका, जो समाचार पढ़ने वाली कोई महिला थी इसलिए उसको उद्घोषिका, नहीं तो पुरुष होता तो उद्घोषक कहा जाता, ने कहा, आइए अब राज्य के मुख्य शहरों के मौसम का हालचाल जानें। राज्य के मुख्य शहरों का हालचाल, मुख्य मुख्य जो शहर हैं उसका हाल जानना है कि क्या चीज़ का, मौसम का। फिर स्क्रीन पर इस तरह की तालिका दिखाई देने लगी। ये जो तालिका आप देख पा रहे हैं, ये जो बना हुआ है, ये उस तरह से उसके टीवी के स्क्रीन पर दिखने लगा। क्या है इसमें, देखिए यहाँ शहर लिखा है, अधिकतम तापमान मतलब सबसे अधिक टेम्परेचर क्या होगा, और न्यूनतम तापमान सबसे कम तापमान कितना होना है, हो सकता है, ये संभावित होता है। तो पटना का दिया है 35 डिग्री सेल्सियस, क्या अधिकतम, और न्यूनतम क्या है 27 डिग्री सेल्सियस। भागलपुर का है 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम क्या है 28 डिग्री सेल्सियस। गया का अधिकतम तापमान क्या है 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम क्या है 29 डिग्री सेल्सियस। मुजफ्फरपुर का 32 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये एक तालिका बना हुआ है सभी शहरों के अधिकतम तापमान का और न्यूनतम तापमान। अधिकतम तापमान का मतलब उस दिन का सबसे अधिक टेम्परेचर क्या होगा इन शहरों का, वो ये है, और सबसे कम तापमान क्या होगा वो यहाँ पे दर्शाया गया है। उद्घोषिका ने इसे पढ़कर सुनाया और कहा कि आज कहीं कहीं आसमान में बादल भी छाए रहेंगे। अगले 24 घंटे में पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना है। उद्घोषिका ने क्या कहा कि कुछ कुछ जगहों पे बादल भी छाए रहेंगे और अगले 24 घंटे के अंदर पटना के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने की भी संभावना है। तभी सलमा का भाई सलीम बोल उठा, दीदी जब बिहार राज्य एक है तो फिर सभी जगहों का तापमान एक जैसा क्यों नहीं है। बच्चे को ये उत्सुकता है, सलीम को ये जानने की इच्छा है कि सभी जगहों का तापमान अलग अलग क्यों होता है। तो सलमा आप देखिए क्या जवाब देती है। सलमा ने जवाब दिया, बिहार का विस्तार बड़े क्षेत्र में है, इसमें अनेक गांव, शहर एवं जिले हैं। हर क्षेत्र में मैदान, जंगल, पठार, नदियाँ, शहर, तालाब आदि एक जैसे नहीं हैं, इसलिए तापमान भी एक जैसा नहीं पाया जाता है। क्या है कि बिहार का जो जलवायु है, यानी जलवायु और पर्यावरण, ये दोनों निर्भर करते हैं मौसम के लिए कि वहाँ का मौसम कैसा होगा। जैसा जलवायु होगा, जैसा वहाँ का पर्यावरण होगा, उसी पे आधारित वहाँ का मौसम होगा, वहाँ का तापमान होगा। तापमान भी एक जैसा नहीं पाया जाता है। अब देखिए सलीम ने पूछा, दीदी क्या सिर्फ तापमान में ही अंतर होता है या फिर और किसी चीज़ में अंतर होता है। अब देखिए क्रियाकलाप, टेलीविज़न या रेडियो द्वारा प्रसारित समाचार सुनिए तथा तापमान एवं वर्षा से संबंधित सूचनाओं का संकलन कीजिए। संकलन कीजिए मतलब उसको एकत्रित कीजिए। जब आप टीवी के स्क्रीन पे इस तरह का आप आकृति देखते हैं और इस तरह से जब डाटा बना हुआ होता है तो आप इसको नोट कीजिए और इसको कॉपी में लिखिए। सलमा बोली, नहीं भाई, तुमने समाचार में अभी अभी सुना नहीं कि वर्षा की जानकारी बता रहे थे। अगली बार जब समाचार सुनेंगे तो ध्यान देना कि वे मौसम के अंतर्गत कौन कौन सी जानकारियां देते हैं। तभी सलीम पूछ बैठा, दीदी यह मौसम क्या होता है।
सलमा सोच में पड़ गई। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। वह पिताजी के कमरे में गई और भूगोल का शब्दकोश निकालकर मौसम के बारे में पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, क्या लिखा था देखिए, किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है। इससे पहले के अध्यायों में हम लोगों ने वायुमंडल के बारे में पढ़ा है कि वायुमंडल हमारा क्या है। हम क्षोभ मंडल जो है वही हमारा सबसे मुख्य मंडल है। तो वायुमंडल में किस तरह का बादलों का जमाव है, वो किस तरह से पृथ्वी से परावर्तित होके जो किरणें वापस जा रही होती है उसको वो किस मात्रा में रोक पाती है, जितना अधिक मात्रा में वो उन किरणों को रोकती है उतना ही अधिक टेम्परेचर हमारे पृथ्वी पर होने की संभावना होती है। और जब सूर्य की तेज किरणें हमारे पृथ्वी पर जितना अधिक पड़ती है पृथ्वी हमारा उतना अधिक गर्म होगा, जितना कम पड़ेगा उतना अधिक ठंडा रहेगा। तो ये हमारा जो वायुमंडल है, वायुमंडल में होने वाले हर एक हलचल क्या कहलाते हैं, मौसम कहलाते हैं। दोनों बार बार पढ़ते हुए उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। तब वे पिताजी के पास गए और पूछा, पिताजी मौसम किसे कहते हैं। इस चीज़ को पढ़ने के बाद, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद उन दोनों को ये समझ में नहीं आया कि किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है। ये उसको समझ में नहीं आ रहा था तो वो पिताजी से पूछा कि मौसम किसे कहते हैं। पिताजी ने समझाया, बेटा निश्चित स्थान का अर्थ किसी शहर या गांव की भौगोलिक स्थिति है, समय का अर्थ है उस स्थान का स्थानीय मानक समय, तथा वायुमंडल दशा का अर्थ है आकाश की स्थिति। यानी आप किसी खास जगह, किसी खास शहर, किसी खास गांव और उस गांव की भौगोलिक स्थिति, यानी वो पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है, पठारी भूमि है, समुद्री तल से ऊंचा है, समुद्री तल से नीचे है, ऊंचिया है तो कितना ऊंचाई पर है, सब चीज़ों को मिला के वायुमंडल की दशा को दर्शाया जाता है। उसी को क्या कहते हैं, आकाश की स्थिति या फिर मौसम। इसके तहत धूप, बादल, नमी, वायु का वेग व दिशा इत्यादि आते हैं। इन दशाओं का सम्मिलित रूप मौसम को दर्शाता है। हो गया कि वायुमंडल में उपस्थित सभी तरह की चीज़ें, और ये जो चीज़ें हैं वो किस पे निर्भर करेगी, वहाँ की भौगोलिक स्थिति पे भी निर्भर करती है। कि भौगोलिक स्थिति अगर मैदानी भाग है तो वहाँ का मौसम कुछ अलग होगा, पठारी भाग है तो वहाँ का मौसम अलग होगा, और अगर पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र है तो भी वहाँ का मौसम अलग होगा। अब देखिए, इन दशा सम्मिलित रूप मौसम को दर्शाता है, किसको, ताप को, धूप, बादल, नमी, वायु और वायु के वेग, इस सबको मिला के मौसम को दर्शाया जाता है। सलीम और सलमा ने पूछा, मौसम में स्थान और समय का क्या महत्व है। देखिए, स्थान और समय का क्या महत्व है, मैंने आपको इसे पहले बताया। स्थान मतलब भौगोलिक स्थिति, कि पठार वाला भूमि है कि मैदानी क्षेत्र है कि पहाड़ वाला क्षेत्र है, तो ये उस पर निर्भर करता है। राजी ने कहा, मौसम एक परिवर्तनशील तत्व है जो स्थान और समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इसे स्थान और समय के संदर्भ में जाना और व्यक्त किया जाता है। के साथ मौसम एक जगह से दूसरे जगह परिवर्तित हो जाते हैं, इसीलिए सिर्फ वहाँ की भौगोलिक स्थिति और वायुमंडल, वायुमंडल जो है उसमें तो वायु भी है और वायु का वेग भी है। अगर वायु का वेग तीव्र होगा तो वो उस जगह के मौसम को उस जगह से लेके दूसरे जगह जाएगा, तो उस समय, किस समय वो उस स्थान पर उस तरह का मौसम होगा, ये उस वायुमंडल के वेग पे निर्भर करता है, यानी उसके चलने की गति पे निर्भर करता है। उन्होंने अखबार में छपे आज का तापमान कॉलम को दिखाते हुए कहा, पता करो कि इनमें किन किन बातों की जानकारी दी गई है। कॉलम देखते हुए सलमा ने बताया, पिताजी इसमें तो कई स्थानों का तापमान, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य का प्रकाश, आकाश के बादल, हवा की दिशा एवं गति की जानकारी दी गई है। पेपर में क्या कुछ दिया गया था, स्थान का तापमान क्या होगा, वर्षा होगी या नहीं होगी, होगी तो कितनी मात्रा में वर्षा होगी,
आर्द्रता, आर्द्रता क्या है, हवा में जो आर्द्रता है, नमी है, वो कितनी है, सूर्य का प्रकाश किस तरह, सूर्य का प्रकाश आएगा, आकाश में बादल छाए रहेंगे या नहीं छाए रहेंगे, हवा की दिशा, हवा तेज चलेगी, किस दिशा से हवा आएगी, किस गति से हवा चलेगी, इन सब चीज़ों की जानकारी उस तालिका में दी गई थी। पिताजी ने स्पष्ट किया कि मौसम के तहत हम इन सभी की बात करते हैं। अक्सर हम ऐसा पाते हैं कि कहीं गर्मी ज़्यादा है तो कहीं कम, कहीं हवा की दिशा अलग होती है जिसका प्रभाव मौसम पर पड़ता है। हवा की दिशा अगर इधर से उधर हो जाएगा तो भी मौसम पे उसका असर हो जाता है। आप बिहार में मॉनसून के समय में, जुलाई के महीने में, अगस्त के महीने में आप देखते होंगे कि आसमान में बहुत काले बादल छाते हैं, लेकिन वो तेज़ हवाओं के साथ उड़ते जाते हैं और हमारा बिहार सूखाड़ग्रस्त हो जाता है और यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। तो ये उन हवाओं के कारण हमारे यहाँ का जो वर्षा वाला बादल है हमारे आसमान में, उसको वो हवाएं उड़ा के दूर लेके चली जाती है और इस जगह पे बारिश नहीं हो पाई, तो ये प्रभावित करते हैं मौसम को। अब देखिए जलवायु, सलीम ने कहा, पिताजी मैंने पढ़ा है कि भारत की जलवायु मानसूनी है, मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि जलवायु क्या है। सलमा बोल पड़ी, मेरी मैडम ने बताया था कि किसी स्थान में लंबे समय तक रहने, और इसके बीच का ये भाग तो गायब हो गया है, अब क्या लिखा था पता नहीं। पिताजी ने कहा, बहुत ठीक सलमा, किसी स्थान की जलवायु का पता करने के लिए लंबे समय यानी सामान्यतः 33 वर्ष तक वहाँ के तापमान की स्थिति, वर्षा की मात्रा, पवन की दिशा इत्यादि का अवलोकन कर एक औसत निकाल लिया जाता है। क्या किया जाता है कि किसी स्थान का मौसम के बारे में, वहाँ के जलवायु के बारे में पता करने के लिए क्या किया जाता है, सामान्यतः मतलब लगभग 33 वर्षों का एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता है कि कब वहाँ पे बारिश हुई, कब वहाँ पे तेज़ धूप था, कब वहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही थी, कब वहाँ पे सर्दी का मौसम था, वर्षा हुई तो वर्षा की मात्रा क्या थी, इन सब चीज़ों को 33 वर्षों तक अध्ययन किया जाता है और उसके बाद वहाँ का एक औसत तापमान निकाल लिया जाता है कि यहाँ का इस तरह का जलवायु है। पिताजी ने पूछा, सलमा क्या सभी जगहों की जलवायु एक ही तरह की होती है? सलमा ने सोचते हुए जवाब दिया, नहीं, जब मौसम अलग अलग होता है तो जलवायु एक तरह की कैसे हो सकती है? सलीम ने पूछा, यह जलवायु अलग अलग क्यों होता है? पिताजी ने कहा, विश्व के अलग अलग भागों में जलवायु की दशाएं अलग अलग पाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, जिनमें मुख्य कारक शामिल हैं क्या, अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तट से दूरी, पर्वतों की दिशा व अवरोध, समुद्री धाराओं की दिशा, पवन की दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई और तापमान, ये सभी क्या हैं, वहाँ के जलवायु का मुख्य कारण होता है। अक्षांशीय स्थिति के किस अक्षांश पे कौन सा जगह स्थित है, उसके बाद समुद्र तट से दूरी क्या है, पर्वत की दिशा व अवरोध, स्थान पे पर्वत है उस जगह का किस दिशा से हवा चलेगी और वो पर्वत उन हवाओं को किस दिशा में मोड़ देगी, ये वहाँ के जलवायु इससे निर्भर करता है। समुद्री धाराओं की दिशा, समुद्र में उठने वाली लहरों की जो दिशा है वो निर्भर करती है वहाँ के जलवायु पर। पवन की दिशा, बहने वाली हवाएं वहाँ के जलवायु पे निर्भर करती है। समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से कितनी वो ऊंची जगह है इस पे वहाँ का जलवायु निर्भर करता है। और तापमान, वहाँ का जो तापमान है, वहाँ जो सूर्य की किरणें आती है वो किस वेग से आती है, कितनी मात्रा में आ पाती है, वो वहाँ के जलवायु को बनाने में इन सभी कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अलग अलग स्थानों पर जलवायु के निर्धारण में एक या एक से अधिक तत्व महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जलवायु को प्रभावित करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका सौर ऊर्जा की होती है, यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो सबसे मुख्य कारक है। इन सब में से सबसे मुख्य कारक है सूर्य की जो रोशनी हमारी पृथ्वी पे आती है, इसका आने में किस तरह से वो अगर अवरोध रहित आता है तो का मौसम कैसा होगा, जलवायु कैसा होगा, अधिक होके आता है तो का जलवायु कैसा होगा। जहाँ सौर ऊर्जा अधिक मिलती है वे स्थान सामान्यतः गर्म होता है,
सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की रोशनी जहाँ सबसे अधिक आती है वो गर्म होता है, तथा उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहाँ सौर ऊर्जा कम मिलती है वे स्थान अपेक्षाकृत ठंडे होते हैं। तो जो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, जो अक्षांशीय भाग है इस पृथ्वी का, जो ये ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग, यहाँ पे सूर्य की रोशनी कम मात्रा में जाती है, तो यहाँ का जो मौसम होता है वो नम वाला मौसम होता है, और ये बीच वाला जो है ये उष्णकटिबंधीय जो है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत अधिक गर्मी होती है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को अंग्रेजी शब्द लैंड फॉर्म से आसानी से समझा जा सकता है। देखिए, ये जो लैंड फॉर्म है ये एक बहुत बड़े शब्द को शॉर्ट करके लिखा गया है। क्या है ये लैंड फॉर्म? एल फॉर क्या है? लैटिट्यूड यानी अक्षांश। ए फॉर एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई जो है। एन फॉर नियरनेस फ्रॉम सी मतलब समुद्र से जो इसकी दूरी है क्या है वो। डी इक्वल टू क्या है? डायरेक्शन ऑफ विंड मतलब हवा की जो दिशा है वो है। एफ फॉर फॉरेस्ट, अगर जंगली क्षेत्र है तो वहाँ का जलवायु अलग होगा। ओ फॉर ओशियन करेंट मतलब समुद्र की जो धाराएं हैं वो किस दिशा में चलती हैं। और आर फॉर रेन मतलब वर्षा कैसी होती है, कम या अधिक। एम फॉर माउंटेन मतलब पर्वतीय भाग, अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो उसका वहाँ का जलवायु अलग होगा, मौसम वहाँ का अलग होगा। तो इसको आप लैंड फॉर्म से आप इसको याद रख सकते हैं। पिताजी ने पूछा, सलीम पृथ्वी पर ताप का मुख्य स्रोत क्या है? पिताजी ने क्या पूछा कि पृथ्वी पर ताप यानी गर्मी का मुख्य स्रोत क्या है? सलीम ने कहा ताप का मुख्य स्रोत सूर्य का ताप है। सूर्य से आने वाली रोशनी जो है वही इस पृथ्वी पर गर्मी को देती है। अगर ये सूर्य की रोशनी ना आए तो इस पृथ्वी पर सब कुछ जम जाएगा। पिताजी ने कहा, सूर्य के ताप से जलवायु एवं पृथ्वी गर्म होते हैं। वायु में उपस्थित ताप की मात्रा को ही वायुमंडल का तापमान कहते हैं। क्या कहा? सूर्य के ताप से जलवायु एवं पृथ्वी गर्म होती है। वायु में उपस्थित ताप की मात्रा को ही वायुमंडल का तापमान कहते हैं। इस कारण धरातल का तापमान सूर्य से क्या है, से प्राप्त ताप पे ही निर्भर करेगा। सूर्य से जितना अधिक मात्रा में जितनी पृथ्वी को मिलेगा उतना ही अधिक यहाँ का तापमान होगा, और जितना कम मिलेगा उतना ही कम इसका तापमान होगा। देखिए, क्या आप जानते हैं वायु दाब को मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापते हैं? वायु को क्या होता है, मिलीबार प्रति वर्ग सेंटीमीटर में मापा जाता है। देखिए, प्राप्त ताप की अवधि पर निर्भर करता है। मैंने क्या बताया आपको, सूर्य की रोशनी जितना अधिक समय तक के लिए और जितना तेज सूर्य की रोशनी पृथ्वी को प्राप्त होगा उतना अधिक यहाँ गर्मी होगी। पिताजी ने ग्लोब और टॉर्च की मदद से बच्चों को समझाया कि सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण इसके आसपास स्थित क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है, परंतु भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की ओर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी या कोणीय पड़ती है, इसलिए वहाँ का तापमान क्रमशः कम होता है। जहाँ सूर्य की ऊष्मा नहीं पहुँचती है वहाँ निम्न तापमान के कारण सदैव हिम जमा रहता है। जहाँ पे क्या होता है, सूर्य की रोशनी नहीं पहुँचती है वहाँ जो है क्या होता है, सदैव बर्फ जमा रहता है। और क्या बताया इससे पहले कि भूमध्य रेखा पर उत्तर और दक्षिण की ओर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है, तो वहाँ पे जब सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं तो वहाँ पे रोशनी कम पहुँच पाता है और कम समय के लिए पहुँचता है, तो वहाँ ठंड होता है, और जहाँ पे सीधी रोशनी पड़ती है वहाँ क्या होता है, वहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, ये शीत प्रदेश कहलाते हैं। ऐसे क्षेत्र उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव पर स्थित हैं। आपको मैंने बताया कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है और नीचे का जो भाग है वो क्या है, वो उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ सूर्य की रोशनी कम आती है और इस वाले भाग में, इस बीच वाले भाग में सूर्य की रोशनी अधिक पड़ती है, इसलिए इस बीच वाले भाग में जितने भी देश होते हैं उन सब में गर्मी बहुत अधिक होती है। पिताजी ने यह भी बताया कि वायुमंडल का तापमान सूर्य की किरणों के झुकाव, दिन की लंबाई, प्रचलित पवनों,
जल और थल के वितरण आदि के कारण भी प्रभावित होता है। क्या होता है? वायुमंडल का तापन सूर्य की किरणों के झुकाव, वो सीधी अगर पड़ रही है तो अधिक होगा, अगर वो तिरछी आ रही है तो कम होगा। दिन की लंबाई अगर अधिक है, यानी दिन अगर अधिक घंटों का है तो वहाँ गर्मी अधिक होगी, अगर दिन कम घंटों का है तो वहाँ गर्मी कम होगी। वहाँ चलने वाली हवाएं जो है उससे भी वहाँ के तापमान को प्रभावित किया जाता है। जल और थल के वितरण आदि के कारण भी प्रभावित होता है। वायुदाब, सलमा और सलीम की उत्सुकता बढ़ रही थी, उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा था। पिताजी ने पुनः बताया, पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु का भार वायुदाब कहलाता है। ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब घटता है, वहीं समुद्र तल पर वायुदाब सर्वाधिक होता है। क्योंकि पृथ्वी पर हर जगह वायुदाब एक जैसा नहीं होता, जिससे विभिन्न दाब क्षेत्र बनते हैं, वायुदाब के अंतर के कारण ही पवनें उत्पन्न होती हैं और निश्चित दिशा में चलती हैं। क्या कहा गया कि पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु का भार, यहाँ पे जितनी वायु की सघनता होगी तो उसका वो भार कहलाएगा, वायु दाब कहलाता है, यानी वायु का प्रेशर होता है। कितना अधिक सघन होगा, जितना अधिक मात्रा में वायु उपलब्ध होगा, उतना अधिक वायु का दाब होगा पृथ्वी पर। ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब घटता है, जैसे आप पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, वायुदाब घटते जाता है। और समुद्र तल जो है, यानी समुद्र के सतह पे पानी जो समुद्र में है उसके ऊपर वायु का दाब सर्वाधिक होता है, यानी मतलब बहुत अधिक मात्रा में वहाँ पे वायु का दाब होता है। और जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊपर पहाड़ों की ओर जाते जाएंगे, धीरे धीरे आपके वायु का जो दाब है, उस स्थान के जो वायु का जो दबाव है वो घटते जाता है। पृथ्वी पर हर जगह वायु दाब एक जैसा नहीं होता, जिससे विभिन्न दाब क्षेत्र बनते हैं, वायु दाब में अंतर के कारण ही पवनें उत्पन्न होती है। क्या होता है कि वायु दाब में जो अंतर है, समुद्र तल से ज्यों ज्यों पृथ्वी की ऊंचाई बढ़ते जाती है त्यों त्यों वायु का जो दाब है वो कम होते जाता है। तो वायु का जो दाब है, दबाव है, वो जो कम होता है, उस वजह से ही पवन उत्पन्न होती है, मतलब हवाओं को दिशा मिलती है। कैसे मिलती है आगे देखेंगे। देखिए, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। क्या होता है, जहाँ पे अधिक तापमान होती है वहाँ का वायु जो है गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे निम्न वायु दाब का एक क्षेत्र बन जाता है। उससे क्या होता है कि वहाँ पे वायु का दाब अधिक होने के कारण, गर्म होने के कारण वायु वहाँ से ऊपर की ओर उठती है, तो वो जो जगह खाली होता है उस जगह को भरने के लिए दूसरे जगह से वायु उस जगह की ओर आती है और इसी से वो पवन चलता है। वायु हमेशा अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ता है। जहाँ पे वायु का दबाव अधिक होता है उससे, जहाँ कम वायु का दबाव होता है उस क्षेत्र में वायु तेजी से भागता है उस क्षेत्र को भरने के लिए, उसी से वो पवन चलती है, जिसको हम बोलते हैं पवन चलती है। कि गति वायु दाब में अंतर से निर्धारित होती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम बनाता है। क्या होता है, वायु की जो गति वायु के दबाव में अंतर से निर्धारित होता है। अगर वायु का दबाव कम है या वायु का दबाव अधिक है तो उससे उसके गति में अंतर आएगा। निम्न दाब मतलब सबसे कम दबाव बादल युक्त आकाश में, मतलब जो बादलों से भरा हुआ आकाश होता है वहाँ पे सबसे कम दाब होता है, नम मौसम बनाता है, यानी नमी वाला मौसम बनाता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, जहाँ पे तापमान कम होता है वहाँ की वायु ठंडी होती है, जो सघन होकर यानी बहुत अधिक मात्रा में होके उच्च दाब का क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब मतलब बहुत अधिक दबाव का क्षेत्र बनाती है, क्योंकि इसके प्रभाव से पवनें बाहर की ओर चलती है। उच्च दाब जब बनता है तो इससे क्या होता है कि पवन बाहर की ओर, कम दाब की ओर भागती है, जिसके कारण आकाश साफ नजर आता है। इससे क्या होता है, आकाश हमारा साफ नजर आने लगता है। क्या आप जानते हैं गर्मी के दिनों में
बिहार में चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। हमारे बिहार प्रदेश में जो गर्म हवाएं चलती है गर्मियों के मौसम में मई और जून के महीने में, वो जो गर्मी चलती है, वो जो गर्मी होती है, वो हमें सुदूर खेतों में या पहाड़ों पे दूर से हमको वो तरंगों के समान चलती हुई ऐसे 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 वो चलती हुई दिखाई देती है। उसको क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। पिताजी ने बच्चों के सामने एक नया सवाल रखा, पवन क्या है? सलीम ने जवाब दिया, जब वायु चलता है तो हम इसे महसूस करते हैं, गतिशील क्षैतिज वायु को पवन कहते हैं। सलमा ने कहा, हाँ जाड़े के दिनों में नवंबर दिसंबर में काफ़ी ठंडी पवनें चलती है, जबकि मई जून गर्मी में तो शरीर को जला देने वाली गर्म पवनें चलती है। पवन किसको कहते हैं? यही वायु, ये जो हवा है, ये जब गतिमान हो जाता है, ये जब गति से चलने लगता है तो इसी को पवन कहते हैं, और जब तक ये चल नहीं रही है तब तक हम इसको हवा कहते हैं। पवन मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? स्थानीय पवन, मौसमी पवन और अस्थाई पवन, मौसमी पवन और स्थानीय पवन। अस्थाई पवन क्या हो गया? जो अस्थाई है, जहाँ का मौसम जिस तरह का है वहाँ, जैसे बिहार प्रदेश में गर्मियों के समय में पश्चिम दिशा से आने वाली जो पवन है वो अस्थाई है, वो हर साल उस समय आती है, तो वो अस्थाई पवन हुआ। मौसमी पवन, बरसात के समय में जो हवाएं चलती है, जो पवन आती है, वो मौसमी पवन हुआ। ठंडियों के समय में जो पवन चलती है वो मौसमी पवन कहलाती है। स्थानीय पवन, स्थानीय पवन क्या है कि वायु के दाब कम और अधिक होने के वजह से जो स्थानीय हवाएं एक जगह से दूसरे जगह को भरने जाती है, उन हवाओं को स्थानीय पवन के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, अस्थाई पवन क्या है? अस्थाई पवन, इसको अब बुक में समझाया गया है, ये पवने जो हमेशा एक निश्चित दिशा में चलती है, ये पवने पृथ्वी को घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होती है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो हवाएं उत्पन्न होती है, ये अधिक दाब पेटियों से कम दाब वाली पेटियों की ओर चलती है। क्या होता है? जिसका दाब अधिक होता है, मतलब जिस वायु का दबाव जिस स्थान पर अधिक होता है, उससे वो वायु कम दबाव वाली पेटियों के ओर वो अग्रसित होती है। पछुआ तथा पूर्वी पवने अस्थाई पवने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि बिहार में गर्मियों के समय में पश्चिम दिशा से हवाएं चलती है और बरसात के मौसम में फिर पूर्व दिशा से हवाएं आती है, तो ये क्या है? अस्थाई पवन है। और मौसमी पवन है, इन पवनों की दिशा मौसम अथवा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है, अर्थात जब पवनों की दिशा विभिन्न ऋतुओं में बदलती रहे तो इन्हें मौसमी पवन कहते हैं। जैसे मानसूनी पवन, मानसूनी पवन क्या होती है? वो जब बरसात के समय में जब मानसून आता है हमारे बिहार प्रदेश में, तो मानसून की जो बरसात होती है उसमें जो हवाएं आती है वो कभी दक्षिण की दिशा से आएगी, कभी उत्तर की दिशा से आएगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? मौसमी पवन या फिर चक्रवात। आपने अक्सर सुना होगा समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, तो वो जो चक्रवात आता है वो मौसमी कहलाता है। प्रति चक्रवात इत्यादि वो क्या है? मौसमी है। अब स्थानीय पवन देखिए, वर्ष के किसी विशेष समय और विशेष भूखंड या स्थानों पर चलने वाली हवाएं स्थानीय पवन कहलाती है। जैसे हमारे यहाँ बिहार के मैदानी भाग में मई जून में चलने वाली गर्म हवा लू के समान से जानी जाती है। स्थलीय समीर एवं समुद्री समीर, समीर मतलब हवा है, पवन है। जब हवा स्थल यानी भूमि से, इस पृथ्वी से समुद्र की ओर चलती है, यानी पृथ्वी से हवा समुद्र की ओर जाती है, तो इसे स्थलीय समीर कहते हैं, मतलब जमीनी हवा कही इसको, जमीनी हवा कहते हैं। ये सदा कब चलती हैं? रात में चलती हैं। जब हवा समुद्र से स्थल की ओर आती है यानी जमीन की ओर आती है, तो इसे समुद्री समीर कहते हैं, और ये दिन में चलती है। तो हमारे इस पृथ्वी पर दिन में जो हवाएं चलती है वो समुद्र से पृथ्वी की ओर आती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि समुद्र के ऊपर हवा का दबाव अधिक होता है और
ऊंचाई वाले भाग को यानी पृथ्वी पे हवा का दबाव कम होता है, तो कम दबाव वाले क्षेत्रों में जब धूप लगती है तो हवा ऊपर की ओर उठती है, तो जो जगह खाली होता है उसको भरने के लिए समुद्र से जो अधिक दबाव वाली हवाएं हैं वो स्थल की ओर आती हैं। तो गर्मियों में ऐसा होता है, और जब ये स्थल नम हो जाती है तो समुद्र की ओर ये हवाएं फिर से वापस बहने लगती हैं, क्योंकि समुद्र का दबाव कम हो जाता है और पृथ्वी पर का दबाव अधिक हो जाता है। अब कुछ सामान्य मौसमी घटनाएं। पिताजी ने कहा, संपूर्ण विश्व में मौसम संबंधी अनेक घटनाएं होती है जिसका व्यापक प्रभाव स्थानीय लोगों के जीवन पर पड़ता है। इसमें से मुख्य घटनाओं के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। पिताजी ने क्या कहा, संपूर्ण विश्व यानी पूरे विश्व में मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है जिसका व्यापक यानी बहुत बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ता है। क्या होता है कि कभी कहीं समुद्री तूफान आ जाता है, कभी कहीं जाड़े का मौसम होता है, बहुत अधिक हिमपात हो रही है, बहुत अधिक ठंड होता है, तो इससे हम लोगों के आम जन जीवन को नुकसान होता है। हम लोग जहाँ भी रह रहे हैं, इस बिहार प्रदेश में जैसे हम लोग रह रहे हैं, तो यहाँ जब अत्यधिक ठंड पड़ने लगती है या फिर अत्यधिक गर्मी होने लगती है तो हम लोगों को इससे परेशानी होती है। हम लोग ठंड से ग्रसित हो जाते हैं, गर्मी से हमको लू लग जाती है, तो उससे हम बहुत सारे लोगों की मौत हो जाती है, तो इस तरह की परेशानी होती है। उसके बारे में अब पिताजी बताएंगे, जिसमें से एक चक्रवात है। पिताजी ने बच्चों से पूछा कि क्या पवन की गति हर वक्त एक तरह की होती है। सलीम सलमा एक साथ बोल पड़े, नहीं। पापा ने कहा, कई बार चक्रवात चलते हैं, ये तूफानी हवाओं के अति शक्तिशाली भंवर के समान होते हैं। इसके केंद्र में एक कम दबाव का क्षेत्र होता है जिसे चक्रवात की आँख कहा जाता है। इसके चारों ओर क्रमशः बढ़ते हुए दाब क्षेत्र होते हैं जिनसे हवाएं तेजी से घूमती हुई केंद्र की ओर बढ़ती है। इस प्रकार एक घूमती हवा का भंवर सा उत्पन्न होता है। इन हवाओं की गति कभी कभी 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। बहुत से चक्रवातों को विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे काल बैसाखी, लैला, हरिकेन, कैटरीना, रीटा, टाइफून इत्यादि। भारत में 2010 ईस्वी में काल बैसाखी एवं लैला नाम के दो चक्रवात आए। चक्रवात किसको कहते हैं? समुद्री क्षेत्र के ऊपर में एक बहुत बड़े भाग में हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, जो गोल आकार का हवा का कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है, और इसके चारों ओर बहुत बड़े क्षेत्र में हवा के बहुत अधिक दबाव का क्षेत्र बन जाता है, और इस बहुत अधिक दबाव वाले क्षेत्र से कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहुत तेज गति से हवाएं चलती है, और ये बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। इस फिगर में तो बहुत छोटा सा नहीं दिखाया गया है, लेकिन उसमें बहुत बड़े क्षेत्र में होता है और बहुत बड़े पैमाने पर होता है, तो जिस वजह से बाहरी भाग का जो हवा है वो इस कम दबाव वाले क्षेत्र जो बीच में है, जिसको आँख भी कहा जाता है, उस भंवर का आँख कहा जाता है, इस क्षेत्र को भरने के लिए जो ये हवाएँ दौड़ती है, तो ये हवाएँ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक भी चल जाती है, और ये धीरे 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 अपने क्षेत्र को भी बदलते जाता है, और जब ये पृथ्वी की ओर आता है तो पृथ्वी पे तबाही मचा देता है, जिसको चक्रवात के नाम से जाना जाता है। भारतीय प्रायद्वीप में आने वाले अधिकांश चक्रवात अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होते हैं। कहाँ से होते हैं? अरब सागर यानी भारत के पश्चिमी भाग से, या फिर बंगाल की खाड़ी यानी भारत के पूर्वी भाग से उत्पन्न होते हैं। इसके प्रभाव से स्थल पर तेज बारिश एवं सागर से ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। सुई की दिशा ऐसे ऐसे चलती है।
तो पूरब से आने वाली जो हवाएं होती है या फिर उत्तरी गोलार्ध जो है पृथ्वी का जो ऊपरी वाला भाग है उसमें क्या होता है कि घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में वो चलती है, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है घड़ी की सुई की ही दिशा में वो चक्रवात घूमती है। अब देखिए प्रति चक्रवात किसको बोलते हैं, चक्रवात के विपरीत जब उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती है। चक्रवात में क्या था कि चक्रवात के बहुत बड़े से भाग में हवा का दबाव अधिक था और बीच में हवा का दबाव कम था, और हवाएं क्या थी अंदर की ओर भाग रही थी। लेकिन प्रति चक्रवात में क्या होता है कि हवाएं केंद्र से बाहर की ओर भागती है, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं, जिसके फलस्वरूप मौसम साफ होता है परंतु हवाएं धीमी गति से चलती है। उत्तरी गोलार्ध में यह घड़ी की सुई की दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में उसकी विपरीत दिशा में चलती है। यह जो चक्रवात है ये उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। लेकिन ये जो प्रति चक्रवात है ये क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है और दक्षिणी गोलार्ध में ये घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में चलती है। जल वाष्प के जल रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। वह तापमान जिस पर जल वाष्प का संघनन प्रारंभ होता है उसे ओशांक या ओशबुंद कहते हैं। ये संघनन क्या है, वर्षा होने की प्रक्रिया जो हमारे वायुमंडल में घटित होती है इसी को संघनन कहा जाता है। इसमें क्या होता है जल वाष्प जो जल भाप के द्वारा वाष्प के द्वारा आकाश में जा चुका है वो जब परिवर्तित होके बूंदों में परिवर्तित हो जाता है और बारिश के रूप में हमारे ज़मीन पर हमारी पृथ्वी पर वो गिरने लगता है, इस प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। उसको या तो ओशांक कहते हैं या फिर ओशबुंद भी कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को वायुमंडलीय नमी या आर्द्रता कहा जाता है। जल वाष्प का अक्षय स्रोत महासागर है। महासागर से जल वाष्प क्या है अक्षय स्रोत है, मतलब कभी ना खत्म होने वाला स्रोत या माध्यम। किसका, जल वाष्प का। क्यों, क्योंकि सागरों में जल भरा हुआ है और उस पर जब सूर्य की तीखी किरणें पड़ती है तो वो गर्म होके भाप में बदल के और ऊपर उठ जाती है। यही वजह है कि वहाँ के वायुमंडल में भी दबाव अधिक होता है। साथ ही पृथ्वी और पृथ्वी पर मौजूद अन्य जल राशियाँ भी सूर्य की गर्मी से वाष्पीकृत होती है। उसके बाद क्या होता है कि पृथ्वी पर नदी हैं, तालाब हैं, झील हैं, खेतों में जो फसलें उगाई जाती है उन फसलों में जो पानी दिया जाता है वो सभी, या फिर हम घर में जो कपड़े खींचते हैं उन कपड़ों में जो जल है, या फिर पेड़ पौधों में जो जल है वो सूख के सूर्य की रोशनी से सूख के वाष्प बन के वो इसी वायुमंडल में चला जाता है। यही नमी विभिन्न रूपों जैसे हिम, जल, ओले के रूप में स्थल पर गिरते हैं। क्या होता है, यही वाष्प जो है जो पानी गर्म करके और वापस भाप बन के आसमान में चला जाता है, या फिर आप जब कपड़े सूखने देते हैं तो उसका जो पानी खत्म हो जाता है वो कहाँ जाता है, धूप की रोशनी से धीरे धीरे वो वाष्प बन के निकलता है और फिर आपके कपड़े से वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है, तो वो आकाश में चला जाता है और वो ठंडे प्रदेशों में बर्फ़ के रूप में, गर्म प्रदेश में जल और ओले के रूप में स्थल पर यानी ज़मीन पर वो गिरते हैं। यह कोहरे के रूप में भी नज़र आता है। जब बर्स ठंडी के मौसम में हम आप देखते हैं कि कोहरा बहुत अधिक गिरता है, मतलब धुआं के तरह पानी होता है, तो इसको कोहरा बोला जाता है। ये भी वही संघनन की एक प्रक्रिया है। वर्षा, पिताजी आकाश से पानी भी तो बरसता है, क्या यह भी मौसमी घटना है। पिताजी ने कहा क्यों नहीं, बच्चों बताओ तो वर्षा कैसे होती है। बच्चों ने कहा हम तो यह जानते हैं कि पानी
बरसता है, आप ही बताइए वर्षा कैसे होती है। पिताजी ने बताना आरंभ किया, बादलों से पृथ्वी पर गिरने वाली पानी की बूंदें जो वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प के संघनन द्वारा बनती है वर्षा कहलाती है। वर्षा पृथ्वी पर जल का बड़ा स्रोत है, इससे धरती के भूगर्भीय जल भंडार संचित होते हैं। जल के संरक्षण के लिए वर्षा हमें वर्षा जल को संचित करना चाहिए। वर्षा कैसे होती है, गर्मी सूर्य की गर्मी से जो जल वाष्प हमारे वायुमंडल में ऊपर पे जमा होता है उसमें जब ठंडी हवाएं जाके मिलती है तो फिर संघनन की क्रिया होती है और उस संघनन की क्रिया के बाद वो जल वाष्प जो है वो बूंदों में परिवर्तित होके और हमारे भूखंड पे हमारे भूमंडल पर वो गिरता है और उसी को हम क्या कहते हैं, वर्षा कहते हैं। और वर्षा के जल को संचित करके रखने के लिए इससे पहले के अध्यायों में हम लोगों ने पढ़ा है कि पानी को संरक्षित रखने के लिए, वर्षा जल को संरक्षित रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अपने घर के नीचे टैंक बनाना चाहिए जिसमें बरसात के पानी को हम लोग संग्रहित रख सकें। बच्चों ने पूछा क्या वर्षा एक ही प्रकार की होती है। पिताजी ने बच्चों को बताया कि वर्षा प्रकृति के आधार पर तीन प्रकार की होती है। वर्षा प्रकृति के नेचर पे निर्भर करता है, कौन कौन सा है देखिए, संवाहिनिक वर्षा, ये वर्षा कहाँ होती है, विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में गर्मी अधिक पड़ती है, इस कारण गर्म भूतल के संपर्क से गर्म होने वाली हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, ऊपर उठती हवा धीरे धीरे ठंडी होती जाती है, फलतः संघनन की क्रिया शुरू हो जाती है और शीघ्र ही वर्षा होने लगती है। यह वर्षा दोपहर बाद विषुवत रेखीय प्रदेश में प्रायः होती है। विषुवत रेखीय प्रदेश में दोपहर लगभग बरसात होती है, उसके पीछे क्या कारण है कि तेज धूप लगने से जो हवाएं गर्म होकर ऊपर जाती है और वो जब वहाँ ठंडी होती है तो संघनन की क्रिया होती है और फिर वो जल वाष्प जो है वर्षा की बूंदों में तब्दील होकर हमारे इस स्थल पर गिरने लगता है। पर्वतीय वर्षा, बच्चों आपने पहाड़ देखा है, पहाड़ों पर वर्षा भी अधिक होती है। जब उष्ण तथा आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत या ऊंची पहाड़ी अवरोध के रूप में आ जाती है तो ये पवन उसके ढाल के सहारे ऊपर चढ़ने को मजबूर हो जाती है। ऊंचाई के कारण हवाएं ठंडी होने लगती है जिससे संघनन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है और यह जल वाष्प संघनित होकर वर्षा के रूप में गिरने लगता है। इसे पर्वतीय कृत या पर्वतीय वर्षा कहते हैं। क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में जब हवाएं चलती है और तेज हवाएं चलती है तो पर्वतों से टकरा के वो ऊपर उठने लगती है और जब बहुत ऊपर चली जाती है तो वहाँ ये जो गर्म हवाएं होती है और बहुत ऊपर जाने से वहाँ उसको ठंडी हवाएं मिलती है तो उन ठंडी हवाओं के साथ जाके ये परिवर्तित हो जाती है और संघनन की क्रिया वहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। यानी इस हवा में जो जल वाष्प है वो हवा बूंदों में बदल के और फिर स्थल पे गिरने लगती है। चक्रवातीय वर्षा, निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए विभिन्न दिशाओं से अनेक पवन आती है, खाली जगहों को भरने के लिए इनमें होड़ हो जाती है और इसके कारण ये ऊपर उठने को मजबूर हो जाती है। ऊपर उठने के कारण इनका तापमान कम हो जाता है जिससे इसमें मौजूद आर्द्रता संघनित होकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसती है। यह वर्षा उष्ण कटिबंध में होती है। क्या होता है, चक्रवातीय वर्षा। अब इससे पहले हम लोगों ने चक्रवात के बारे में पढ़ा तो चक्रवात किस तरह के होते हैं, दो चक्रवात, एक चक्रवात और एक प्रति चक्रवात। तो जिस चक्रवात में बीच में हवा का कम दबाव होता है और चारों तरफ हवा का अधिक दबाव बनता है उसमें जो हवाएं कम दबाव वाली क्षेत्र को भरने के लिए जाती है तो चारों तरफ से दौड़ हवाएं जो आती है उस क्षेत्र को भरने के लिए तो आपस में टकरा के वो हवाएं ऊपर उठ जाती है और जब बहुत ऊपर उठ जाती है तो वहाँ पे वहाँ का जो तापमान होता है वो कम होता है और वहाँ कम तापमान की वजह से उन हवाओं में जो आर्द्रता है यानी जो नमी है यानी वाष्प की जो मात्रा है वो क्या होती है, उन ठंडी हवाओं के संपर्क में आके वो जल में परिवर्तित हो जाती है और तभी वहाँ पे संघनित होकर वो क्या होता है, उस क्षेत्र में वर्षा के रूप में वो गिरने लगती है।
पिताजी ने बच्चों से पूछा, क्या अब आपको मौसम और जलवायु के बीच का संबंध समझ में आया? सलीम और सलमा ने एक साथ हामी भरी। तभी टेलीविज़न पर मौसम संबंधी खबरें आने लगी। दोनों बच्चे ध्यान से उसे सुनने लगे। तो आज का ये अध्याय यहीं पे अब समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस अध्याय को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर आपको समझने में किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम रह जाए तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करें। मैं ज़रूर प्रयास करूँगा कि आपको इन चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ जो आप चीज़ समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आप यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं हम फिर अगले क्लास में।